नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये विश्व कप क्रिकेट का दौर चल रहा है। 19 नवंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक 10 मैच से ज्यादा हो चुके हैं और इस पूरे क्रिकेट महाकुंभ का सबसे बड़ा मुकाबला जिसे माना जा रहा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। वो मुकाबला शनिवार को होना है अहमदाबाद के विशाल स्टेडियम में, जहां उस स्टेडियम में करीब 1,25,000 लोग बैठ करके उस मैच का आनंद लेंगे। सारी टिकट्स बुक बिक चुकी है, खिलाड़ी अच्छी तरह से तैयार हैं दोनों ही टीमों के। एक तरफ जहां पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को यह भरोसा है कि विश्व कप में जो अब तक नहीं हुआ वो इस बार होगा, उन्होंने मीडिया को ये बयान दिया है कि वो इस मैच को 7-8-0 नहीं 7-1 करने के लिए सब कुछ न्योछावर कर देंगे। बात हम पाकिस्तान से शुरू किए तो पाकिस्तान के बारे में आपसे कुछ चर्चा कर ली जाए। बता दें कि बाबर आजम खुद एज ए बैट्समैन जिस स्तर के बल्लेबाज वो हैं, वो लय अभी तक जो पिछले 2 मैच पाकिस्तान ने भारत में खेले हैं वो लय उनको दिखाई उनमें दिखाई नहीं दी है। बात करें तो कभी बाबर आजम के साथ पारी की शुरुआत करने वाले रिजवान मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी पारी खेली है। अभी पिछले मैच में उन्होंने 100 रन भी बनाए हैं। कैंप के बावजूद बैटिंग करते हुए उन्होंने वो 100 रन की सच्ची पारी खेली और पाकिस्तान को जीत की दहलीज तक ही नहीं पहुंचाया बल्कि उन्हें विजयी भी बनाया, अपने देश को विजयी भी बनाया। अगर उनके बाद उनके अलावा हम बात करें तो बॉलिंग लाइनअप की अगर जहां तक बात करें तो निसंदेह पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है बहुत बढ़िया है। अफरीदी के नेतृत्व में पूरी टीम बहुत अच्छा कर रही है। अफरीदी हैं, रऊफ हैं, शादाब हैं, ये सारे गेंदबाज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन अफरीदी जिसके लिए जाने जाते हैं वो चीज अभी तक शायद नहीं देखी गई है। हालांकि हम अफरीदी की बात कर रहे हैं और भारत पाकिस्तान का मुकाबला है तो निश्चित तौर पर हम यहां यह भी बताना चाहेंगे कि अफरीदी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, 140 के आसपास की स्पीड है और ऐसे में जब वो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर जब ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आता है किसी राइट हैंड बैट्समैन के लिए तो उसकी अंदर आती हुई गेंद बहुत मुश्किल भरी होती है। आपको यहां बताएं कि अफरीदी ने इससे पहले कई बार हमारे कप्तान रोहित शर्मा, यहां तक कि विराट कोहली को भी अपने उस जाल में फंसाया है। हम अगर बात करें भारतीय कप्तान की तो पहले मैच में स्टार्क उस लाइन और उस लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर सके, बावजूद इसके शुरू के 3 विकेट अफरीदी और उनके साथी मार्श, स्टार्क और हेजलवुड ने
मिल करके 2 रन पर 3 विकेट गिरा दिए थे। हेजलवुड ने रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू किया, वो अंदर आती हुई गेंद। रोहित शर्मा की एक लंबे समय से कमजोरी रही है कि तेजी से अंदर आती हुई गेंद उनको हमेशा परेशान करती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले में रोहित शर्मा ने भरसक कोशिश की थी कि वो बैट पैड को साथ लेकर के आए, लगभग बैट पैड एक साथ थे भी, लेकिन कुछ इंचेस से उनका पैर थोड़ा आगे था और बल्ला पीछे रह गया, जिसका नतीजा, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बगैर खाता खोले उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। एक अच्छी बात यह है भारतीय टीम के लिए कि रोहित शर्मा के जोड़ीदार सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल डेंगू से उबर चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि डेंगू जैसी बीमारी के बाद वापस लौटने पर एक सवालिया निशान तो जरूर होगा शुभमन गिल के ऊपर। क्या वो 75 ओवर, 80 ओवर या 100 ओवर, माने पूरे दिन मैदान में बिना थके बिना रुके खेल पाएंगे? क्योंकि ये एक क्रूशियल मैच होगा, एक बड़ा मैच होगा, जिसमें दोनों केवल स्किल ही नहीं, आपके ऊपर मानसिक दबाव भी बहुत ज्यादा होगा। 1.25 लाख लोगों का, दर्शकों का शोर उस मैदान में होगा। क्या इन सारी चीजों से अपने आप का सामंजस्य बैठाने में शुभमन गिल खुद को सक्षम पाएंगे? हालांकि मीडिया सूत्रों के हवाले से जो गिल का कहना है कि वो पूरी तरह से इस मैच के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट, राहुल सीनियर कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सभी, हार्दिक पांड्या, ये सभी मिल करके क्या ये चाहेंगे कि सिर्फ एक मैच के लिए शुभमन गिल को इसमें खिलाया जाए और कहीं उनको उनके साथ कुछ और अनहोनी होती है तो आगे के 6 मैच अभी लीग स्टेज पर खेलने हैं? क्या इतना बड़ा जोखिम टीम मैनेजमेंट उठा पाएगी? क्या वो 100% फिट हैं? अगर नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा जोखिम भारतीय टीम प्रबंधन उठाएगी। जो भी हो, अभी तक कहा यही जा रहा है कि शुभमन गिल फिट हो गए हैं, कल उन्होंने 1 घंटे तक प्रैक्टिस भी की, जम करके बैटिंग की। अगर वो खेलते हैं, अगर वो फिट हैं, तो निश्चित तौर पर भारत के लिए ये सुखद स्थिति होगी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल अगर ओपन करने के लिए आते हैं तो एक उम्मीद बंधेगी कि ये जो जोड़ी है लगातार 50 से लेकर के सबकी साझेदारी तक कर रही है, लगातार कर रही है। शुभमन गिल हर मैच में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, कई उन्होंने सेंचुरीज लगाई हैं, हाफ सेंचुरीज लगाई हैं, वनडे में तो उन्होंने डबल सेंचुरी भी लगाई है। इस लिहाज से ये गिल की वापसी निसंदेह बहुत अच्छी होगी। अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें तो विराट कोहली, अभी तक जो भी मुकाबला उन्होंने खेला है विश्व कप के अंदर, वो बहुत जबरदस्त रहा है। और प्रतिद्वंदी के रूप में अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला हमेशा बोला है। ये आप सबको पिछले T20 वर्ल्ड कप की यादें जरूर ताजा होंगी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी जो मैच वर्ल्ड कप हुआ था, वहां भी पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बैटिंग की थी, अच्छा स्कोर किया था। उसके अलावा
अगर हम आगे चलें तो श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ये जो बैटिंग लाइनअप है उसको भेदना आज पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए बहुत आसान नहीं होगा। जहां तक विकेट की बात करें तो जो मीडिया सोर्सेस से जो सूचनाएं आ रही हैं उसके अनुसार अहमदाबाद में पिछले जो दो मैच खेले गए हैं उससे अलग ये विकेट होगा। यहां ये लाल मिट्टी का विकेट नहीं होगा, ये काली मिट्टी का विकेट होगा। यहां पर स्पिनर्स के लिए पूरी मदद होगी। गेंद बताया ये भी जा रहा है कि गेंद ठीक ठाक बाउंस के साथ होगी। ऐसे में अगर इंडियन स्पिनर्स की बात करें, इंडियन एकादश की बात करें तो निसंदेह लगता ऐसा है कि टीम इंडिया इस मैच में तीन स्पिनर्स के साथ उतरे, जैसा पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। तो अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, जिनका कि अपना घरेलू मैदान होगा। जिस तरह से सुमन बैटिंग में, सुमन गिल को यहां बैटिंग करना बहुत पसंद आता है, उसी तरह से रविंद्र जडेजा को यहां पर बॉलिंग करते हुए खुद को मजा आता है। तो इन चीजों पर अगर गौर करें और विश्व कप के रिकॉर्ड की बात करें तो निसंदेह भारत का पल्ला थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन पाकिस्तानी टीम के बारे में ये मशहूर है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। वो हारा हुआ मैच जीत जाती है और जीता हुआ मैच हार जाती है। ऐसे में अगर कोई चमत्कार होता है, उनके बॉलर्स अफरीदी हों, शादाब हों, रऊफ हों, ये अगर इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो उनके विकेट जल्दी निकाल पाते हैं, बीच के ओवर्स में स्पिनर्स उनके अच्छी बॉलिंग कर पाते हैं, रन को रोक सकते हैं, अगर रोक लेते हैं, अंकुश लगा पाते हैं तो ये एक अच्छा, पाकिस्तान के लिहाज से बहुत अच्छा होगा, मैच लड़ने के काबिल बना सकते हैं वो। लेकिन ऐसा उनके ऊपर निर्भर करेगा। शादाब ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की, विकेट भी लिए, अफरीदी ने भी विकेट लिए, यूसुफ रऊफ को भी पुरानी लय मिलती हुई दिखाई दी है। इस तरह से अगर हम बात करें तो मैच निसंदेह बहुत संघर्षपूर्ण होना चाहिए और इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में जहां पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है, क्या बाबर आजम जो कह रहे हैं वो सच साबित कर पाएंगे या भारतीय प्रशंसक, भारतीय समर्थक जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि विश्व कप खासतौर पर 50 ओवर का मैच, इसमें भारत हमेशा अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से ऊपर रहा है और रहेगा, ऐसा भारतीयों का, भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का, ये दुनिया भर में जहां भी भारतीय हैं उनका ये विश्वास है कि 7-0 अब 8-0 होगा। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा पाकिस्तान के गेंदबाजों, पाकिस्तान के बल्लेबाजों और उनके क्षेत्र रक्षकों के ऊपर, क्योंकि ये जो मैच होगा वो केवल, मैंने पहले ही बताया कि वो यहां पर स्किल
के साथ साथ सबसे बड़ी चीज होगी कि कौन सी टीम, कौन सा खिलाड़ी इस मुकाबले के लिए दिमागी तौर पर पूरी तरह से तैयार है, वो हर तरह के तनाव को दरकिनार करने के लिए तैयार है, अपने नर्व्स पर कंट्रोल करना जानता है, बड़े मैचों में जीत हासिल करना जानता है, वही इस मुकाबले को जीत पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद से कि आपको ये वीडियो निश्चित पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।